बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जैसलमेर के पटुओं की हवेली में मैं उसका आंखों देखा हाल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से हमने एंट्री की है और देखिए ये मीना आकार यानी मीना शीशे की कलाकृति और बहुत ही विचित्र कला जो राजस्थानी समावेश को अपने आप में संजीदगी दिलाती है। एक संजीव यहाँ प्रवृत्ति प्रकृति उस समय की। मैं शेरपाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऊपर की जो हाथियों वाली जो आकृतियाँ हैं और जो कि ऊँट राजस्थान का एकमात्र जो पशु जिसके जो कि एक पर्याय और एक चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है, और उधर की छत के रूप में भी मैं निवेदन करूँगा कि छत को भी अच्छी तरह से दिखा करके पटुओं की हवेली के जो जो प्रवेश द्वार है और उसके अंदर मैं इधर शेरपाल जी से बताना चाहूँगा। एक बुजुर्ग जो जीवन लाल जी कोठारी की मूर्ति यहाँ इधर और इधर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये भगवान महावीर की क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पटवा सेठ हुआ करते थे जो कि एक जोहरी थे, मैं जैन धर्म में विश्वास करते थे और जैन धर्म के जितने भी अनुयायी उसके साथ साथ हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता थे उनमें भी वे अपनी पूरी तरह से आस्था रखते थे। और आगे मैं शेरपा जी से आगे ले जाना चाहूँगा। इधर ये देखिए जो सेठ पटवा जी थे वे एक बहुत बड़े व्यापारी थे और उस समय के उनके जो आंकलन के और जो जो तोल की चीज़ें थी पैमाना था ये बाट जिसको हम कहेंगे, मैं समझता हूँ शायद एक मन का है, सवा शेर है, ढाई शेर है, दो शेर है, पांच शेर है, ये पांच शेर है और इधर देखिए एक शेर है, ये दो शेर है, ये दो शेर है और ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पैमाने मैं समझता हूँ यहाँ देखने को मिलेंगे। इधर ये देखिए उस समय की ये जो मुद्राएँ हैं जैसे सिक्का अन्नी चवन्नी एक 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 की दुग्गी तिग्गी पंजी दस्सी इस तरह से सभी मुद्रा। और मैं एक बार फिर शेरपाल जी से दिखाऊंगा, ये बड़े नोट होते थे, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, ये देखो 5 रुपीज, ये 5 रुपये का नोट था और ये 1000 रुपये, ये 1000 रुपये का नोट है। सर ये बताना कौन सन में था ये 1000 रुपये का? सर ये सन में आप शेरपाल जी कृपया देख करके अंदाजा लगाइए, 1854 में। और ये देखना ये इधर ये 500 रुपये का नोट। तो ये इस तरह से हमारी ये मुद्रा भारतीय मुद्रा को यहाँ एकीकृत किया गया है। और इधर मैं दिखाने ले जाना चाहूँगा, इधर देखिए शेरपाल जी पर मेरे साथ आइए। ये औजार हैं क्योंकि सेठ पटमल जी एक जोहरी व्यक्ति थे और उनका सोने चांदी और हीरे जवाहरात का आभूषण का कार्य था, काम था, धंधा था। और उसके ये और इधर भी देखना, ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। उधर ये शॉप है जहाँ पर मैं जो जौहरी अपने काम यानी जो जेवर निर्माण का कार्य था वो करते थे। और देखो रेडियो भी था, हाँ देखो ये उस समय की रेडियो, ये टाइपराइटर, और सर ये वहाँ बैठ कर के जो उस समय का हुक्का, और यहाँ वो जो ग्राहक होते थे उनको बड़ी शान और शौकत से बिठा करके, और देखना बही खाते भी मैं देखिए, और पंखा उस समय का पंखा शेरपाल जी पंखा देखिए, वो जो पंखा है मैं समझता हूँ वो पंखा जो उसमें बत्ती लगा करके और उसको जला जाता था बत्ती से और उससे वर्किंग करता था जो यानी वाष्प, जैसे मैं बताना चाहूँगा उष्ण यानी गर्मी, उष्ण जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उस पंखे का चालन होता था। आगे मैं शेरपाल जी को आगे फिर आगे की गतिविधि के लिए एक और चीज़ देखने के लिए जाना चाहूँगा। ये देखिए इधर देखिए शेरपाल जी, ये देखिए ये घड़ी है उस जमाने की, बहुत पुरानी घड़ी है और जिसमें पेंडुलम है और ये और पंखे हैं सर, पंखे इधर पंखे को भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको। और ये पुरानी कलाकृति देखो उस समय हस्त से जो बनाई जाती थी कलाकृतियाँ, पोर्ट्रेट चित्र, तो ये चित्र मैं समझता हूँ राजस्थानी जो युद्ध की जो नीति होती थी उससे उत्प्रोत है।
इधर मैं सिरपाती उस समय के वस्त्र जो महिलाएं होती थी वो साड़ियाँ जो डालती थी साड़ियाँ पहनती थी वह उसी समय के जो ये वस्त्र हैं जो ये हमारी साहूकार परिवारों की जो महिलाएं औरतें होती थी और ये उनका पूर्णतः लिबास होता था राजस्थानी लिबास में ये जैसे बड़े बड़े जो शाही परिवार होते थे मैं इस तरह से रहते थे। धन्यवाद। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए मैं ऋषिपाल जो हमारे ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप यहां पर जो भी सामान रखा हुआ है उनके बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये श्रृंगार कक्ष है महारानी पटवा की रानी का। यहां जो है रानी अपने श्रृंगार का प्रत्येक सामान छोटे से लेकर बड़े तक घाघरा चोली गहने आभूषण और वो देख रहे हैं सामने आप श्रृंगार जो टेबल रखी हुई है वहाँ चूड़ियाँ देखिए दोनों हाथों में कैसे रानी जी चूड़ियाँ डालती थी यहाँ कोहनियों तक और ये हार प्राचीन और इधर जो है ये वस्त्र जो प्राचीन काल के वस्त्र थे उनके बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसे हमें देखकर ये कह सकते हैं कि जो श्रृंगार की तरफ आभूषण की तरफ रानी और महारानी महारानियाँ ध्यान देती थी वो एक अद्भुत था अपने आप में। यहाँ देख सकते हैं आप ये शयन कक्ष महारानी का और यहाँ जो है आप ये देख रहे हैं झूला कि कुंवर सा या राजकुमारी एक छोटा शिशु का उसका पालना झूला पालना जिसे कहा जाता है आज के टाइम में तो बहुत अद्भुत। ये साहित्य प्राचीन हमें देखने को कहीं कहीं मिलता है। यहाँ जो है रानी अपने राजा के साथ वो अपना चौसर का खेल खेलती थी और म्यूज़िक का भी शौक था उन्हें जैसे ग्रामोफोन आधुनिक जो जैसे जैसे काल बदला और आधुनिकता आई उस समय में तो संगीत का भी जो है रूप उन्होंने बदल लिया और बहुत आनंद भी बोर होते थे वो सुनकर शयन कक्ष में। तो धन्यवाद साथियों।